हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित कुमार और मैं आप सभी का साइलेंट पढ़ाई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द प्राइम मिनिस्टर्स के पावर फंक्शंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी क्या क्या पावर होती है इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट, इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन रिलेशन टू पार्लियामेंट। इन सारी चीज़ों को हम इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके पिछले के वीडियो में हमने प्रेसिडेंट को कवर कर लिया था, वाइस प्रेसिडेंट को कवर कर लिया था और प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो जो प्रोविजंस थे उसको हमने देख लिया था। तो ये जो पांचों बॉडी जो आपके सामने यहाँ दिख रही है, ये पांचों यूनियन एग्जीक्यूटिव की ही पार्ट है, क्योंकि पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आर्टिकल 52-78 के अंदर आती है। ओके, तो इस वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर्स पर ही फोकस करेंगे, उनके पावर्स और फंक्शंस पर फोकस करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले, और अगर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस कर ले ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पावर्स और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है इंडिया का। ओके, और जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है वो प्रेसिडेंट होता है। और जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। ओके, तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर के ही आदेश से उनके हिसाब से ही काम करती है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर का पावर होता है, क्या फंक्शन होता है इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? ओके, तो अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट की बात करें तो उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन प्रेसिडेंट उन्हीं पर्सन को मिनिस्टर अपॉइंट करता है जिसे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया हो। मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करता है कि किस पर्सन को मिनिस्टर बनाया जा सकता है, और प्रेसिडेंट जो है वो बाध्य होता है उसी पर्सन को मिनिस्टर जो है अपॉइंट करने से रिलेटेड। ओके, दूसरा है कि मिनिस्टर के अमाउंट, जो मिनिस्टर होते हैं उसके अमाउंट, जो पोर्टफोलियो उन्हें दी जाती है, जो डिपार्टमेंट्स दी जाती है, जो मिनिस्ट्री दी जाती है, उसे प्राइम मिनिस्टर एलोकेट करता है, उसे रीशफल भी कर सकता है, मतलब उसमें चेंजेस ला सकता है। किसी एक मिनिस्टर के हाथों में जो मिनिस्ट्री है उसे चेंज करके उसे कुछ दूसरे मिनिस्ट्री का इंचार्ज बना सकता है। ओके, यहाँ पे क्या है, मिनिस्ट्री को चेंज कर सकता है, पोर्टफोलियो को रीशफल कर सकता है। ओके, प्राइम मिनिस्टर ये किसी मिनिस्टर को ये भी कर सकता है कि वो रिजिग्नेशन दे दे, या फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, कर सकता है कि वो किसी मिनिस्टर को डिसमिस कर दे अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो। ओके, जब ओपिनियन का डिफरेंस होता है, एक्चुअल में होता क्या है कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, वो लोकसभा के प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या हुआ कि लोकसभा किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास नहीं कर सकती, बल्कि पूरी की पूरी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट उनको पास करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी तरह का किसी एक मिनिस्टर का कोई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है लोकसभा के प्रति, बल्कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर बन जाती है। तो इसीलिए क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ये देखता है कि पूरी की पूरी मिनिस्ट्री जो है वो कलेक्टिवली काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है। अगर कहीं भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, ओपिनियन का डिफरेंस देखने को मिलता है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी मिनिस्टर को कह सकता है कि आप रिजिग्नेशन दे दीजिए, या फिर प्रेसिडेंट को कह सकता है कि वो उसे डिसमिस कर दे। तो सारी की सारी इधर पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथों में ही रहती है। उसके बाद है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो भी मीटिंग होती है, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग को प्रिसाइड जो करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रिसाइड करते हैं और उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। ओके, सारी की सारी मिनिस्टर्स की जो एक्टिविटीज़ होती है, जो उनके काम काज होते हैं, इन सबको डायरेक्शन देता है, गाइड देता है प्राइम मिनिस्टर, कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट भी करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ओके, जब प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस से रिजाइन कर देते हैं, जब वो रेजिग्नेशन दे देते हैं प्रेसिडेंट को, तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कॉलेप्स कर जाती है। पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली वो जो है वो कॉलेप्स कर जाती है, ढह जाती है। क्यों? क्योंकि एक तरह से देखिए तो प्राइम मिनिस्टर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, उसे एडवाइस देता है, और ये पूरी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ही फंक्शन करती है। प्राइम मिनिस्टर जब चाहे तो उन्हें जो है उन्हें रिजाइन करने को कह सकता है, या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें डिसमिस कर सकता है। तो सारी की सारी पावर कहाँ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की? वो प्राइम मिनिस्टर के हाथों में है। वो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन में काम करती है। ओके, अब देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है, उनकी जो फंक्शन है, वो प्रेसिडेंट के रिलेशन में क्या होती है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या ड्यूटीज बनती है प्रेसिडेंट के सामने? तो ये आर्टिकल 78 में मेंशन है कि प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या ड्यूटी होगी प्रेसिडेंट के रिलेशन में।
तो आर्टिकल 78 कुछ इस तरह से कहता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी होगा कि वो प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करे, वो प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करे वो सारे इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो सारे डिसीजंस जो कि यूनियन अफेयर के एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो है वो लिए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। मतलब क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा कि जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं यूनियन अफेयर्स से रिलेटेड, उन सारे डिसीजंस को प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को बताना होगा, उन्हें कम्युनिकेट करना होगा। और साथ साथ जितने भी प्रपोजल्स हैं लेजिस्लेशन के लिए, जितने भी गवर्नमेंट बिल आने वाले हैं पार्लियामेंट में, उन सारे प्रपोजल्स को भी प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को बताना होगा। ओके, दूसरा जो ड्यूटी ये इम्पोज करता है कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर पे, कि प्राइम की अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन अगर वो मांगता है रिलेटेड टू इन द यूनियन अफेयर्स, कि यूनियन अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई रिलेशन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मांगता है, या फिर कोई लेजिस्लेशन के लिए प्रपोजल अगर आया है उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर प्रेसिडेंट मांगता है प्राइम मिनिस्टर से, तो ये प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी होगा कि वो सारे इन्फॉर्मेशन को फर्निश कराए, वो सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करे। ओके, तीसरा जो ड्यूटी है ये इम्पोज किया जाता है कि अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो किसी एक मिनिस्टर के द्वारा ले लिया गया है लेकिन पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा इसे कंसीडर नहीं किया गया है, तो प्रेसिडेंट कर सकता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कह सकता है कि उस डिसीजन को पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने कंसीडर किया जाए। दैट मीन्स कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को ये कह सकता है कि उस डिसीजन को जिसे एक मिनिस्टर के द्वारा सिर्फ लिया गया है और काउंसिल के द्वारा कंसीडर नहीं किया गया है, उसे काउंसिल के सामने कंसीडर कराया जाए। ओके, तो ये जो तीनों बातें लिखी गई है वो आर्टिकल 78 के अंदर जो है वो मेंशन है। इन सब के अलावे प्राइम मिनिस्टर एक और काम करता है जो है, जो बहुत ही हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं, जितने भी हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट करने का ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को सौंपा है, ठीक है, उन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से रिलेटेड जो एडवाइस हैं वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देता है। जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करना है, या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करना है, या फिर UPSC के चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट करना है, या फिर इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करना है, या फिर फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट करना है। ये सारी क्या है, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर अपॉइंटमेंट करने की जो पावर दी गई है वो प्रेसिडेंट को दी गई है, लेकिन प्रेसिडेंट इसका डायरेक्टली यूज नहीं करता है। एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है कि वो एडवाइस देता है इनके अपॉइंटमेंट से रिगार्डिंग। ओके, तो मेनली प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को वो उस पर बाइंडिंग होता है। ओके, अब देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या पावर और फंक्शन होते हैं इन रिलेशन टू पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के रिलेशन में प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या पावर्स होते हैं। तो जैसा कि है कि पार्लियामेंट का जब भी सेशन की पार्लियामेंट के सेशन की जो शुरुआत होती है, तो पार्लियामेंट के सेशन के शुरुआत को शमनिंग कहा जाता है और उसके सेशन के एंड को प्रोरोग्यूइंग कहा जाता है। तो शमन और प्रोरोग्यू इन दोनों को करने का जो पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो प्रेसिडेंट को दिया गया है, कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के सेशन की शुरुआत करता है और उसका एंड करता है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है इन मैटर्स से रिलेटेड। प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को कहता है कि कब सेशन को शमन करना है और कब सेशन का प्रोरोग्यू करना है। ओके, इसके अलावे लोकसभा का जो डिजोल्यूशन होता है, लोकसभा को डिजॉल्व करने का पावर भी प्रेसिडेंट के हाथों में ही दिया गया है, कि प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को चाहे तो वो डिजॉल्व कर सकता है, लेकिन ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जब प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है लोकसभा के डिजोल्यूशन का, तभी लोकसभा को डिजॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावे जो हाउसेस होती हैं उनमें गवर्नमेंट की पॉलिसी का अनाउंस भी प्राइम मिनिस्टर ही करता है। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई जाती है, इन पॉलिसी को भी हाउस के फ्लोर में अनाउंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।